फाइनली यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लगा दिया हमने सब्सक्राइबर के अकाउंट में खेल के। और इस बीच कुछ मैच में हैकर भी आ गए थे हमारे सामने। बड़ी और बॉडी फोर क्लच मार के राउंड निकाल देता हूँ हैकर के अगेंस्ट में। और कुछ ऐसे मैच थे जिनमें इतना इंटेंस फाइट किया जिसको देखने में आप लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इसे वो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। सब्सक्राइबर का रिएक्शन देखना तो बिल्कुल मत भूलना। सी गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में खेल के 412 स्टार से 437 स्टार तक पुशिंग किया था। अभी मैं आगे के लिए स्टार प्लस करने वाला हूँ जिससे कि ग्रैंड मास्टर लग पाए अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में। और हाँ, वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि काफी ज्यादा इंटेंस फाइट देखने को मिलेगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं भाई लोग। पिक्चर चालू करो बे। मैच स्टार्ट करते ही देखता हूँ सामने अच्छे बंदे आ जाते हैं और यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ हेडशॉट मार के, मतलब वन टैप मार के। यहाँ पे जैसे जा रहा था आगे वन टैप पड़ जाता मेरे को। एंड यहाँ पे मेरा एक जो टीममेट बचा हुआ रहता है वन टैप मारने का काफी ज्यादा कोशिश करता है बट एनमी वन टैप देकर फर्स्ट राउंड ले जाता है। सेकंड राउंड के अंदर इतना गंदा सिचुएशन में फर्स्ट हुए मैं यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर देता हूँ। बट यार इतने में देखता हूँ मेरे सारे डिमेंट मर चुके हैं और ये सेकंड राउंड भी ले गए। थर्ड राउंड के अंदर मैं यहाँ पे ड्रॉप बना के लूट लेता हूँ और जैसे ही इसके अंदर जाता हूँ डबल डोर के एक बंदा दिखता है। इसको मैंने डाउन कर दिया था बॉडी बॉडी मार के। इसको फिनिश लेके मैं इसको लूट ही रहा था कि भाई पीछे से स्नाइपर का डैमेज पड़ जाता है। तो फिर मैं भी मुड़ के इसको 150 का डैमेज देता हूँ और इसके ऊपर सीधा रस मारता हूँ। बट ये बंदा काफी चालू बन रहा था लेकिन मैं इसके झांसे में नहीं आता हूँ। हमने इनसे एक राउंड तो जीत लिया। अभी नेक्स्ट राउंड के अंदर देखो फ्लैश फ्री से मैंने डैमेज दिया एक बंदे को और देखता हूँ भाई दो बंदे अपने मर चुके हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा था बंदे का लोकेशन बट लेफ्ट साइड से बंदा रस मार देता है मेरे ऊपर। और यहाँ पे अपने बचाव के लिए ग्लू बॉल लगाता हूँ और सीधा जंप मार के हेडशॉट मार के डाउन करता हूँ एक बंदे को और फिनिश भी कर देता हूँ। इतने में एक और बंदा पीछे से डैमेज देता है, इसको भी मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ। इतने में एक और बंदा आ जाता है मेरे को मारने के लिए बट इसको भी मैंने यहाँ पे टू शोटर से मार के डाउन कर दिया था। इसको फिनिश लेके मैं चला गया था चौथे बंदे को मारने क्योंकि मेरा रहता है यहाँ पे एस। चौथा बंदा सामने ही रहता है और इसको जंप करके हेडशॉट मारता हूँ और यहाँ पे मेरा एस हो जाता है। जलवा है हमारा। मैंने यहाँ पे दो राउंड इनके सामने जीत लिया था। अभी नेक्स्ट राउंड के अंदर जैसे ही रस मारता हूँ देखता हूँ बंदा खुद ही रस मार रहा है भाई मेरे ऊपर। बंदे से बचने के लिए कोने में गया बट ये बंदा जैसे ही मारने वाला था पीछे से अपने टीम अच्छा खबर देकर इसको मार दिया। एंड यहाँ पे मैडी कर ही रहा था कि भाई उतने में एक और बंदा टपक गया जिसको मैं यहाँ पे डाउन कर देता हूँ बॉडी बॉडी मार के। अभी इसको मैं पैतरा में फिनिश कर ही रहा था कि देखता हूँ भाई राउंड ही जीत गए। तीन राउंड हमने यहाँ पे लगातार जीत लिया था इनके सामने। नेक्स्ट राउंड शुरू होते ही अपने एक टीममेट डाउन हो गया था जिसकी वजह से ये बंदे रस मारने लगते हैं। एंड एक बंदे को मैं डाउन करके फिनिश कर देता हूँ और दूसरा बंदा जैसे मारता है रस उसको भी डाउन करके फिनिश कर दिया था। अभी सिर्फ बचा हुआ था लास्ट का आखिरी बंदा। यहाँ पे एक टू शॉटर से मार देता हूँ और दूसरा गोली मारते इसको फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे 4-2 से हम इस मैच को जीत गए थे। एंड अब इसी के साथ 447 स्टार हो जाता हमारा। अभी नेक्स्ट मैच जैसे स्टार्ट किया सामने देखता हूँ फिर से अच्छे बंदे आ गए हैं भाई। अभी यहाँ पे फर्स्ट राउंड शुरू होती है मैंने यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया था और जल्दी जाके इस बंदे को पहले फिनिश कर देता हूँ। एंड यहाँ पे एक और बंदा रहता है जो कि काफी ज्यादा डैमेज देता है बट मैंने भी यहाँ पे डैमेज दिया था लेकिन यार इसने मेरे को डैमेज देकर डाउन कर दिया और यहाँ पे पहला राउंड इन्होंने जीत लिया। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर देता हूँ एंड यहाँ पे जल्दी से जाके पहले फिनिश कर लेता है। अभी लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ है और चलो ये भी खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पे एक एक का बराबरी कर लिया। नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे एक बंदे को फ्लैश फ्रीज मार के डाउन कर देता हूँ क्योंकि ये बंदा ऑलरेडी पहले से ही डैमेज था। अभी जैसे ही रस करता हूँ भाई यहाँ पे दो बंदे रहते हैं जिसमें से एक बंदे को मैंने डाउन कर दिया था कि मुझे यहाँ पे रस करने का बाद लगा था कि शायद यहाँ बंदा नहीं है बट अचानक से बंदा निकल जाता है और इसको भी मैं मार के खत्म करता हूँ। यहाँ पे दो राउंड जीत गए थे। नेक्स्ट राउंड शुरू होते मैंने सीधा रस मार के एक बंदे को डाउन लिया कि भाई अपने टीममेट भी दो और बंदे को डाउन ले गए थे। लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचता है जो कि साला जोन में जाके मर जाता है। यहाँ पे हम तीन राउंड लगातार जीत गए थे। नेक्स्ट राउंड के अंदर सीधा रस मार दिया हमने इनके ऊपर और यहाँ पे ये बंदे काफी ज्यादा डैमेज रहते हैं। पीछे से आके एक बंदे को डाउन कर देते और दूसरे बंदे को मार के खत्म है। यहाँ पे 4-1 से इस मैच को जीत जाते हैं हम। एंड इसी के साथ 448 स्टार हमारा हो जाता है। अभी मैंने तुरंत ही नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट कर दिया। अभी देखता हूँ सामने इतने खास बंदे नहीं आए थे बट फर्स्ट राउंड के अंदर मैं जैसे ही रस मारता हूँ इनको मारने के लिए भाई दे देता है मेरे को यहाँ पे हेडशॉट लेकिन मेरा भाई यहाँ पे हेडशॉट मार के उसको खत्म करता है मतलब इन दोनों को और पहला राउंड यहाँ पे निकाल देता है। नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे 2v3 का सिचुएशन था। एक बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ हेडशॉट मार के लेकिन जो दो और बंदे रहते हैं वो अपने टीममेट को यहाँ पे डाउन कर देते हैं और यहाँ पे पीछे से आके एक और बंदे को मैं डाउन करता हूँ एंड यहाँ पे फिनिश भी ले लेता हूँ। लास्ट का जो आखिरी बंदा बचता है वो ओरियन का यूज करके मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पे मेरे पास हेल्थ भी नहीं था सो मेरे को मार के ये राउंड ले जाता है ये लोग। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं यहाँ पे स्नाइपर से एक बंदे को डैमेज देकर डाउन कर देता हूँ। बंदे को फिनिश करते ही पता चलता है घर के अंदर बंदा गया जो कि मेरे को यहाँ पे डाउन कर देता है लेकिन अपने दो टीममेट बचे हुए रहते हैं। इसी का मेरे को दुख था कि भाई क्यों बचे हुए थे पहले क्यों नहीं मर गए। ले भाई दे दिया राउंड। दो राउंड इन्होंने लगातार जीत लिया था। अभी नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं गलती कर देता हूँ इनके ऊपर सीधा रस मार के तीन बंदे मिलके ऐसा मारे कि भाई
ये राउंड भी ले गए। तीन राउंड इन्होंने लगातार हमसे जीत लिया था, एक और राउंड हारता तो मैच ही हार जाते हैं। लेकिन इस राउंड में भाई लोग यहाँ पे अपने टीममेट इस राउंड को निकाल देते हैं, यहाँ पे 3-3 का बराबरी कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट राउंड यानी कि फाइनल राउंड के अंदर मैं यहाँ पे दो बंदे को 150-150 डैमेज देता हूँ और लास्ट जोन होती यहाँ पे जैसी रस्म आने वाला था, साला मकड़ी का जाला आगे चिपक जाता है यार मेरे कूड़ों में। और बंदा रेडी था मेरे को मारने के लिए, बट ग्लूवल लगा के खुद को कवर करता हूँ मैं जल्दी से। मैं देखता हूँ फाइट लेते लेते मेरे टीममेट से एक बंदा मेरे सामने आ जाता, तो मैंने इसको मार के डाउन कर दिया। एंड जो एक बंदा जोन से आ रहा था इसको हेडशॉट मार के खत्म किया। यहाँ पे 4-3 से हमने इस मैच को जीत लिया है। इसी के साथ अपना 455 स्टार हो जाता है। नेक्स्ट मैच स्टार्ट करती सामने देखता हूँ तगड़े बंदे तो नहीं, बट हाँ ठीक ठाक बंदे आए थे, इनकी स्किल देख के पता चली थी। M500 लेके यहाँ पे बॉडी बॉडी मार के एक बंदे को डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। एंड उतने में एक और बंदा दिख जाता है तो उसको भी मैं डैमेज देता हूँ। बाकी लास्ट का आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है और यहाँ पे इसको वन टैप मार के फर्स्ट राउंड हमने अपना नाम कर लिया था। नेक्स्ट राउंड मिल का आता है, यहाँ पे राइट से सीधा रस मार के एक बंदे को डाउन करके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। नहीं करता हूँ भाई, किल लेने जाता हूँ, बट यहाँ पे लास्ट वाले बंदे को अपने टीममेट मार के खत्म करता है और इस राउंड को निकाल दिया था। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया था, बाकी एक बंदा ऊपर से कवर दे रहा था, उसको मारने का ट्राई किया लेकिन अपने टीममेट मार देता है। यहाँ पे एक बंदे जैसे वेक्टर लेके आ रहा था इसको मारा, हेडशॉट खत्म हो गया। लास्ट वाले बंदे को अपने टीममेट मार के खत्म करता है। यहाँ पे 3-0 से हम लीड पे रहते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे सीधा रस मारते हैं। यहाँ पे मैंने दो बंदे को डाउन कर दिया था, बाकी यहाँ पे बंदा नहीं रहता तो अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ। उतने में देखता हूँ अपने टीममेट उसको मार दिया बंदे को और यहाँ पे 4-0 से हम इस मैच को जीत गए थे और इसी के साथ 460 स्टार हो जाता हमारा। अभी मैंने जैसे ही नेक्स्ट मैच स्टार्ट किया प्लस करने के लिए, सामने देखता हूँ भाई हैकर आ चुका था, इसको पहले तो रिपोर्ट मारा। एंड यहाँ पे फर्स्ट राउंड के अंदर देखो कैसे क्लच निकालता हूँ, एक बंदे को डाउन करके यहाँ पे पहले तो फिनिश किया। एंड एक बंदा लॉन्ग से आ रहा था तो इसको भी मैं वन टैप मार के डाउन कर देता हूँ, बाकी इसको भी फिनिश कर लिया था। एंड एक और बंदा आता है उसको भी मैंने डाउन कर दिया था, इसको भी फिनिश कर दिया। लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है और यहाँ पे मैं ईस मार देता हूँ वही इनके अगेंस्ट में। पहला राउंड तो हमने जीत लिया था, नेक्स्ट राउंड के अंदर इस बंदे का नेट चला जाता तो पीछे से आके मैं इसको डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे रस मार के हैकर को मारना चाह रहा था, बट यार हैकर काफी ज्यादा डैमेज देता है मेरे को और यहाँ पे भाई भागते भागते मेरे को डाउन भी कर दिया था, बट जो अपना लास्ट का आखिरी टीममेट बचा हुआ रहता है इसको मार के ये राउंड निकाल देता है। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैंने यहाँ पे एक बंदे को डाउन करके फिनिश ले लिया था, लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है हैकर और इसको भी रस करके मैं हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ और यहाँ पे 3-0 से लीड पे रहते हैं। बट यहाँ से अब हैकर कमबैक करने वाला था क्योंकि यहाँ पे हैकर को खोजने गए रस मार के, बट यार हैकर थोड़ा सा लॉन्ग में रहता है और उसको कवर देने के लिए उसके टीममेट उसके पास खड़ा रहते हैं, सो इसी वजह से उसको मार नहीं पाते और यहाँ पे ये राउंड निकाल लेते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट राउंड भी निकाल लिया था, अभी ये राउंड पिक का आता है और यहाँ पे एक बंदे को डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। बाकी एक और बंदा रहता है इसको मैं मार देता है यार, बट पीछे से हैकर साला मार के डैमेज देता है। लास्ट 3v3 राउंड था फाइनल राउंड और यहाँ पे 3v3 का सिचुएशन भी रहता है भाई, हैकर अभी भी जिंदा था, इसके वजह से मैं यहाँ पे भाग के चला जाता हूँ कवर में। बट यार कवर में भी यहाँ पे मारे जा रहा था हैकर आर पार, हैकर को शॉट लगा, मैं कंफ्यूज हो गया कि मारा कहाँ से भाई, और अचानक से मेरे को मार के डाउन कर देता है। यहाँ पे लास्ट को जो अपना टीममेट बचा हुआ रहता है भाई एंड में उसको भी मार के हैकर खत्म करता है और यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन पॉइंट की वजह से माइनस नहीं लगता है। मैच तो हार गए हैं बट इसको रिपोर्ट मार देते हैं ताकि इसकी आईडी बैन हो जाए। रिपोर्ट मार के मैंने नेक्स्ट मैच स्टार्ट कर दिया और देखता हूँ सामने भाई ग्रैंड मास्टर के बंदे आ गए जो कि फर्स्ट राउंड यहाँ पे लेके चले गए हमसे। अभी सेकंड राउंड के अंदर मैं यहाँ पे एक बंदे को डाउन करके फिनिश कर देता हूँ एंड यहाँ पे बचे हुए रहते दो बंदे जो कि अपने दोनों टीममेट को ले गए थे। यहाँ पे मेरे को ही मार के राउंड निकाल देते वो लोग। अभी नेक्स्ट राउंड के अंदर एक बंदे को डाउन करके फिनिश कर दिया था अपने टीममेट ने एंड यहाँ पे एक बंदा जैसे ही रस मारता है मेरे ऊपर इसको डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। लास्ट वाले बंदे को अपने टीममेट मार देता और इस राउंड को निकाल लिया था हमने। नेक्स्ट राउंड के अंदर देखो यहाँ पे मिल वाले राउंड में दो बंदे रस मार देते जिनमें से एक बंदे को डाउन कर दिया था एंड एक और बंदा रस मारता उसको भी मैंने डाउन कर दिया था। बाकी लास्ट वाले बंदे को अपने टीममेट मार देता है। यहाँ पे 2-2 का बराबरी हम कर लेते हैं। नेक्स्ट राउंड मार्श इलेक्ट्रिक का आता है, यहाँ पे ये बंदा साला डिजर्ट चला रहा था, इसके ऊपर सीधा रस मार के मैक्स 7 बरसा देता हूँ, इसको डाउन करके फिनिश कर दिया था। मेरी नजर पड़ती है पीछे वाले बंदे पे, उसको भी मैंने डाउन करके फिनिश कर दिया था। यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन रहता है, यहाँ पे लास्ट में एक बंदे को डाउन कर दिया था, बाकी एक बंदे यहाँ पे छिपा हुआ रहता मेरे को पता नहीं चलता लेकिन अपना टीममेट इसको मार के इस राउंड को निकाल देता है। अभी लास्ट राउंड के अंदर भाई 3v3 कर लेते हैं ये लोग हमसे जीत के इस राउंड को। लास्ट राउंड के अंदर यहाँ पे 3v3 का सिचुएशन रहता है फाइनल राउंड में, बट यहाँ पे एक बंदे को घटा दिया था मैं और एक बंदे को अपने टीममेट मार के घटा देता है और लास्ट वाले बंदे को मैं वन टैप मार के खत्म करता हूँ। यहाँ पे 4-3 से इस मैच को हम जीत जाते हैं एंड इसी के साथ यहाँ पे 470 स्टार हो जाता है। 478 स्टार में ग्रैंड मास्टर था इसलिए मैंने नेक्स्ट मैच भी जल्दी से स्टार्ट कर दिया। इस मैच के अंदर देखता हूँ भाई सामने एक बंदा ऑफलाइन पड़ा हुआ रहता है जो कि भागने लगता है वन टैप पड़ते ही, इसको मैंने डाउन कर दिया था एंड एक और बंदा आता है इसको भी मैंने डाउन कर दिया था हेडशॉट मार के। लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है और इसको भी वन टैप मार के खत्म कर दिया। फर्स्ट राउंड जीत गए थे, सेकंड राउंड के अंदर ये बंदे रस मारने लगते हैं बट इसको मैंने डाउन कर दिया था। यहाँ पे जाके पहले इसको फिनिश कर देता हूँ
अभी सिर्फ बचा हुआ रहता है यहाँ पे दो बंदा, जिसमें से एक और बंदे को डाउन करके फिनिश कर दिया था, लास्ट का आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है और यहाँ पे इसको ही वांटे मार के खत्म करता हूँ। दो राउंड यहाँ पे निकाल लिया था। नेक्स्ट राउंड फैक्ट्री का था और ये बंदा मेरे ऊपर रस मार रहा था, बट मेरे को देख के भागने लगता है भाई, बट पीछे से आके मैं हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ। एंड यहाँ पे बाहर के साइड में आके एक और बंदे को डाउन करके फिनिश कर दिया था, लास्ट वाला बंदे को भी मारता हूँ हेडशॉट और खत्म करता हूँ, इस राउंड को निकाल लिया था। नेक्स्ट लास्ट वाले राउंड के अंदर एक ही बंदा बचा हुआ रहता है जिसको अपने डिमेंट मार देता है, यहाँ पे हम लोग जीत जाते इस मैच को, 473 स्टार हो जाता हमारा। फटाक से मैंने नेक्स्ट मैच भी स्टार्ट कर दिया और अभी सामने बंदे आ चुके थे ग्रैंड मास्टर वाले, जो कि यहाँ पे पहले राउंड को जीत जाते हैं। सेकेंड राउंड के अंदर मैं यहाँ पे एक बंदे को रश करके डाउन कर देता हूँ, बट यार पीछे से एक बंदा डाउन कर देता है मेरे को। यहाँ पे दो टीममेट बचे हुए रहते हैं, बट एक बंदे से दोनों पिट जाते हैं और ये बंदा तो भाई आईफोन प्लेयर बता रहा था खुद को। अभी नेक्स्ट मैच आता है क्लॉक टावर का, यहाँ पे जंप करके एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और एक बंदे को काफी ज्यादा डैमेज देता हूँ। एंड यहाँ पे भाई लोग एक बंदे जैसे नीचे माने वाला रहता है, इसको मैंने डाउन करके फिनिश कर दिया था। बाकी ऊपर जाके एक और बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ टू शॉटर से, लास्ट वाले बंदे को अपने टीममेट मार के एक राउंड हमने निकाल लिया था। नेक्स्ट राउंड के अंदर एक बंदे को बॉम्ब से फुटा के डाउन कर देता हूँ, सामने एक और बंदा रहता है इसलिए मैंने सीधा इसको परस मार दिया, बट अपना टीममेट इसको डाउन कर देता है, जिससे मेरे को यहाँ पे एक और नेड मिल चुका था और अपना किल भी रिवाइव हो गया था। यार इस नेड को कुक करके फेंक देता हूँ बंदे के ऊपर और यहाँ पे बंदा डाउन हो जाता है। लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है जिसको अपने डिमांड मार के खत्म कर देता है। अभी नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं ऊपर चढ़ के एक बंदे को डाउन कर दिया था, बाकी एक और लास्ट वाला बंदा भाग रहा था, तो पीछे से आके इसको वांडे मार के खत्म करता हूँ। यहाँ पे तीन राउंड हमने जीत लिया था भाई। इस वाले राउंड के अंदर ये बंदा मेरे को देख के छिप जाता है, बट जैसे ही निकलता है इसको वांडे मार के खत्म करता हूँ। एंड यहाँ पे दो बंदे सामने रहते हैं, एक को ही देखा था भाई, जिसकी वजह से मैं डाउन हो गया था। एंड यहाँ पे ये राउंड निकाल लेते हैं अपोनेंट वाले और 3v3 का राउंड हो जाता है। फाइनल राउंड के अंदर होल्डिंग चल रहा था, बट हमने सीधा रस मार दिया एंड में और यहाँ पे तीन बंदे को डाउन ले लिया था अपने टीममेट ने और चौथे बंदे को मार के यहाँ पे हमने मैच को विन कर लिया और यहाँ पे 476 स्टार भी हो गया था हमारा। मुझे और सिर्फ 2 स्टार चाहिए ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, सो जल्दी से मैच को स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट मैच स्टार्ट करते ही देखता हूँ सामने कुछ खास बंदे नहीं आए थे, सो फर्स्ट राउंड के अंदर मेरे टीममेट ही इस राउंड को निकाल देते हैं। नेक्स्ट राउंड के अंदर राइट से आके एक बंदे को डाउन करके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। सामने सिर्फ 2 ही बंदे बचे हुए रहते, जो कि एक सामने आ जाता है मेरा एंड यहाँ पे मैं इसको बड़ी बड़ी मार के डाउन कर देता हूँ। लास्ट वाले बंदे को अपने टीममेट मार के इस राउंड को निकाल देता है। इस वाले राउंड के अंदर यहाँ पे सब होल्ड कर रहे थे पीछे के साइड में, एक नेट से मैं एक बंदे को डाउन करके यहाँ पे चला जाता हूँ फिनिश करने, बाकी यहाँ पे 2 बंदे होल्ड कर रहे थे। यार मेरे को शॉट कर दिया इन्होंने, यहाँ पे ये राउंड निकाल लेते यार ये लोग। नेक्स्ट राउंड के अंदर मैं यहाँ पे रश करके एक बंदे को डाउन कर देता हूँ, बाकी ड्रॉप भी चार्ज कर लिया था। अभी सिर्फ लास्ट आखिरी बंदा बचता है और इसको भी मैं यहाँ पे टू शॉटर से मार के खत्म करता हूँ, 3 राउंड अपने नाम कर लिया था। अभी नेक्स्ट राउंड के अंदर जैसे एक बंदा रस मारता है इसको टू शॉटर से मार के खत्म करता हूँ, यहाँ पे एक और बंदे को हेडशॉट मार के खत्म करता हूँ और 4-1 से इस मैच को हम जीत जाते हैं। इसी के साथ मेरा 477 स्टार हो जाता है। मुझे अभी और सिर्फ 1 स्टार चाहिए ग्रैंड मास्टर जाने के लिए, सो बिना देरी किए हम यहाँ पे मैच को स्टार्ट कर देते हैं। सो इस मैच में मेरे को लग रहा था ग्रैंड मास्टर लग जाएगा, इसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग करके खेल रहा था, बट यार काफी ज्यादा लैग हो रहा था मेरा इस मैच के अंदर, पता नहीं क्यों। स्मूथ में खेलते हुए रिकॉर्डिंग कर रहा था फिर भी, इसलिए मैं नेक्स्ट मैच के अंदर देखो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। अभी फर्स्ट राउंड के अंदर मैं एक बंदे को डैमेज देता हूँ काफी ज्यादा, रस मारता हूँ बढ़िया हेडशॉट मार देता है ये, और यहाँ पे पहला राउंड ये लोग निकाल लेते हैं। नेक्स्ट राउंड के अंदर देखो यहाँ पे कैसे क्लच निकालता हूँ मैं, एक बंदे को वांटे मार के डाउन कर दिया था, बाकी अपने सारे डिमेंट मर चुके थे। यहाँ पे सामने एक और बंदा रहता है और उसको मुंह पे वांटे मार के डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे फिनिश भी ले लिया था। अभी सिर्फ 2 बंदे बचे हुए रहते हैं सामने और उनको कैसे मारता हूँ, अगर इसमें 1v4 क्लच निकाल दिया भाई लोग डेजर्ट ईगल से, तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर कर देना। चलो एक और बंदे को डाउन कर दिए, फिनिश कर लेते हैं। लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ है। अरे भाई ये भी वांटे वांटे खेल रहा है यार, बट अपन दिमाग से खेलेंगे, जहाँ पे बॉडी मारना होगा बॉडी मारेंगे। चलो एक बॉडी लगा है, अरे यार भाग गया साला। अबे यार इसने तो खोपड़ी हिला दिया भाई, नहीं नहीं भाई सीधा रस मार दिया भाई, एक गोली एक गोली एक गोली। चलो यहाँ पे हमने मार दिया और रिस्क कर लिया भाई, फाइनली 1v4 क्लच मार के यहाँ पे राउंड निकाल दिया। नेक्स्ट राउंड के अंदर एक बंदा सीधा रस मार देता है मेरे ऊपर, इसको मैं 2 शॉटर से मार के डाउन करके यहाँ फिनिश करता हूँ, कि पीछे एक और बंदा आ जाता है, इसको मैंने डाउन कर दिया था। एंड यहाँ पे जाता हूँ हेल्पफुल करने की, भाई बगल में नेड़ आकर फूटता, मैं तो डर गया था यार। अभी सिर्फ 2 बंदे बचे हुए रहते हैं, जिनमें से एक और बंदे को मैं डाउन कर देता हूँ और एक बंदे को अपने टीममेट मार के खत्म करता हूँ, इस राउंड को निकाल देते हैं। नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे 2 ही बंदे बचे हुए रहते, जो कि एक सामने बंदा रहता है, इसको पर सीधा रस मार के इसको डाउन करके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। अभी सिर्फ लास्ट का आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है, जो कि नीचे के साइड में था, इसको भी मार के खत्म करता हूँ। भाई यहाँ पे 3-3 राउंड हो चुका था और ये फाइनल राउंड था। यहाँ पे भाई लोग एक बंदे को डैमेज देता हूँ और सीधा रस मार के अगेन से एक और बंदे को डैमेज देता हूँ,
और चला गया था नीचे के साइड में। ये बंदी जैसे ही मारने वाली थी इसको वन टैप मार के डाउन कर दिया था। बाकी लास्ट वाले बंदे को अपने टीममेट मार देते हैं। यहाँ पे हम इस मैच को भी जीत जाते हैं 4-3 से। यहाँ पे मैं खुश हो जाता हूँ 478 स्टार देख के, बट भाई यहाँ पे देखता हूँ बैक करके ग्रैंड मास्टर तो लगा ही नहीं। एक और प्लेस ये ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। सो मैं बिना देरी किए जल्दी से मैच को स्टार्ट कर देता हूँ और सामने देखता हूँ भाई हैकर आ गया। हो गया कल्याण भाई, एक एक का बराबरी हमने कर लिया था। नेक्स्ट राउंड के अंदर वांटे मार के डाउन किया, बढ़िया हैकर हम सबको मार के खत्म करता है। इस राउंड के अंदर अगेन एक बंदे को डाउन करके फिनिश कर देता हूँ। हैकर को मारने जा ही रहा था कि भाई हैकर अपना ओम से वन टैप मार के हम तीनों को ही खत्म कर देता है। भाई इस राउंड के अंदर यहाँ पे हैकर को डाउन कर देता हूँ। सामने सिर्फ नॉर्मल बंदा बचा हुआ रहता है, साला ओम से मारेगा, डाउन करके इसको फिनिश कर दिया। सामने सिर्फ दो ही बंदे बचे हुए हैं, ये तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे हैकर के बिना। इनकी औकात ही क्या भाई, यार कमबैक हो जाता अगर अपने टीममेट डाउन नहीं देते तो। बट यार यहाँ पे लास्ट में हैकर बचता है जो कि मुझे मार देता है। यहाँ पे प्रोटेक्शन की वजह से अपना माइनस नहीं हुआ था। एक और मैच खेलना पड़ेगा भाई लोग अभी ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए, एक और प्लस चाहिए अभी। नेक्स्ट मैच जैसे स्टार्ट किया सामने अच्छे बंदे आ जाते हैं भाई लोग। फर्स्ट राउंड के अंदर एक बंदे को डाउन कर देता हूँ हेडशॉट मार के, बाकी यहाँ पे जाके हेल्प फुल करता हूँ। लास्ट का सिर्फ आखिरी बंदा बचा हुआ रहता है एंड यहाँ पे इसको भी वन टैप मार के खत्म करता हूँ। और फर्स्ट राउंड यहाँ पे जीत लिया था हमने। सेकंड राउंड के अंदर यहाँ पे इजिली हमने निकाल लिया इस राउंड को भी। अगेन नेक्स्ट राउंड के अंदर एक बंदे को रश करके डाउन कर देता हूँ, बढ़िया यार अपने टीममेट कुछ नहीं कर पाते और इसी वजह से इस राउंड को हम यहाँ पे हार जाते हैं। नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे मैं ड्रॉप चार्ज कर रहा था, बढ़िया यार अपने टीममेट कवर नहीं दे रहे थे जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पे पीछे निकलना पड़ता है एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एचपी लो रहता है। बट इतने एचपी में भी मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक और बंदा रस मार देता है मेरे ऊपर। सो इसको भी मैंने डाउन कर दिया था, बट यार अपने सारे टीममेट मर जाते हैं। यहाँ पे रिवाइव देते देते पीछे से बंदा आके मार के चला जाता है यार। नेक्स्ट राउंड के अंदर भी यहाँ पे एक बंदे को डाउन कर दिया था, 3v2 का सिचुएशन रहता है भाई। बट यार अपने टीममेट हक देते हैं एंड यहाँ पे ये राउंड भी निकाल लेते हैं भाई ओपोनेंट वाले। नेक्स्ट राउंड के अंदर भाई सीधा रस मार के जानबूझ के मर जाता हूँ और इस मैच को हम हार जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट गेम के अंदर मैं एक बंदा चेंज कर देता हूँ एंड यहाँ पे सामने फिर से वही बंदे आते हैं। इस बार तो बदला लेके रहूँगा। यहाँ पे एक बंदे को डाउन करके मैं फर्स्ट राउंड के अंदर क्लियर कर देता हूँ और अपने बंदे को रिवाइव कर देता हूँ एंड यहाँ पे एक और बंदा रहता है ऊपर से जाके भाई इसको भी डाउन कर देता हूँ बॉडी बॉडी मार के। एंड यहाँ पे एक और बंदा आता है, इसको भी हेडशॉट मारा था, बाकी बॉडी मार के इसको भी डाउन कर देता हूँ। मेरा रहता है एस, बट यहाँ पे अपना टीममेट मार के खत्म कर देता है, एस तो लेने ही नहीं देता है। सेकेंड राउंड के अंदर भाई सीधा रस मार के एक बंदे को डाउन कर देता हूँ एंड यहाँ पे मोड दिखाने के साथ इसको फिनिश भी कर देता हूँ और इस राउंड को भी हमने इजिली निकाल लिया था। नेक्स्ट राउंड के अंदर यहाँ पे 3v3 का सिचुएशन था, जोन हमारे साइड बन गया था जिसकी वजह से बंदे आ रहे थे सामने से। एक बंदे को डाउन कर देता हूँ बट साइड से एक बंदा मेरे को मार के डाउन कर देता है, लेकिन अपना टीममेट सीधा रस मार के दो बंदे को यहाँ पे ले जाता है, यहाँ पे इस राउंड को निकाल देता है। नेक्स्ट राउंड के अंदर सीधा रस मार के एक बंदे को डाउन कर देता हूँ, बट यार मैं डाउन हो गया था, लेकिन जो अपने टीममेट होते हैं सबको मार के खत्म करते हैं एंड यहाँ पे 4-0 से हम इस बार इस मैच को जीत जाते हैं। हम लोग देखा एक बंदा चेंज किया है, यहाँ पे हम लोग 4-0 से इस मैच को जीत गए इनके अगेंस्ट में। और इसी के साथ अपने सब्सक्राइबर के अकाउंट में मैंने ग्रैंड मास्टर लगा दिया था भाई लोग। अभी हम लोग बुला लेते हैं अपने सब्सक्राइबर को उसके अकाउंट से और देखते हैं उनका रिएक्शन क्या है। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी अकाउंट से और मैंने ऐड भी कर लिया अपने आईडी में। चलो इसको इनवाइट भेज देते हैं। आ गया भाई, देखते हैं भाई क्या बोलते हैं। अरे थैंक यू भाई अजय भाई, थैंक यू आपने ग्रैंड मास्टर लगा दिया यार, थैंक यू अजय भाई थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया, थैंक यू अजय भाई, थैंक्स, लव यू फॉरएवर।